हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नायला एंड शाला रिएक्शन। 86 लाख थप्पड़ बजे हैं टेररिज्म को। क्या बात है, ये लव्स और ये स्टेटमेंट बहुत ही बोल्ड है कि 86 लाख थप्पड़ पड़े हैं दहशतगर्दों को, वो भी कश्मीर की वैली के अंदर। लेकिन इस खबर की हकीकत क्या है और ये किस टाइप के थप्पड़ है, उसके लिए वीडियो देखते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आतंकवाद को 86 लाख तमाचों की, आप सोच रहे होंगे कि किसी को 86 लाख तमाचे कैसे मारे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को ये तमाचे मारे हैं जम्मू कश्मीर आने वाले सैलानियों ने। इस साल जम्मू कश्मीर में अब तक 86 लाख से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं। जब ये पर्यटन का सीजन खत्म हो जाएगा तो ये आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि भाई आप मकबूजा कश्मीर में, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें आप पैसा फेंकें, लोगों को रोजगार दें, सिक्योरिटी और पर्यटक को हाई कर दें, ताकि अगर वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं या बाकी लोग आ रहे हैं फिल्म मेकिंग के लिए लोग आ रहे हैं, तो उनको हर किस्म की जो है ना वो आज़ादी मिले। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया? कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में जरूर है, जिसकी वजह से टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी भी एक तरह की जो है वो अरेंज करनी पड़ी होगी और एक तरह से मैनेज किया होगा इंडिया की गवर्नमेंट ने। लेकिन एक अगर मैं वैसे बात करूं, सिर्फ कश्मीर के हवाले से अगर बात करूं या टूरिस्ट के हवाले से बात करूं, तो मैं यही कहूंगी कि एक अच्छी बात है और इसी किस्म का स्टेप पाकिस्तान को भी लेना चाहिए। अरुण नगर जी, हम जो है ना, हम जो टेरर टू टूरिज्म जा रहे हैं, टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाएंगे कश्मीर। क्या कहेंगे कि वो हम उसे मकबूजा कश्मीर अभी कहते हैं, अभी हम ये कहते हैं वहाँ पे तो बड़ा जुल्म है, ये वो इस तरह की चीजें। और वहाँ पे अगर इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकते? हमारे यहाँ पे भी कश्मीर है। इतनी गर्मी दिल्ली में और हम यहाँ पे देख रहे हैं बर्फ ही बर्फ, खेल रहे हैं कूद रहे हैं, ठंडी मौसम है, कोई जरूरत नहीं है हमारे को एसी कूलर की, पंखे की, आओ यहाँ मौज करो, इतनी खुशी मिल रही है फैमिली साथ आए हुए हैं। सर, एज अ पाकिस्तानी आप जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? मैं उसको बहुत खूबसूरत जगह समझता हूँ। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा जरूर जाऊँ। अब ये जो करोड़ों लोग वहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे मैंने पहला कि पाकिस्तान के पास तो डाटा कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डाटा शेयर कर सकती है कि आज़ाद कश्मीर में कितने टूरिस्ट गए। भारत की आपको लीडरशिप को और उन लोगों को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो डाटा के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। वो डाटा सही है, वो गलत है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कौन उसको रिलीज करता है, किस तरह किया जाता है, क्या ये सच्चे फिगर हैं, क्या ये नॉर्मलाइजेशन की बात है, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए एक तासुर दिया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है जी कि अब ये अब देखें ना, ये सारा मीडिया को वो जिस तरह यूज़ कर रहे हैं और वो दैट बेसिकली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ, जैसे कहते हैं ना, साउंड्स क्रिएट करता है। मिसाल उन्होंने कहा जी हम जो टेरर टू टूरिज्म जा रहे हैं, टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाएंगे कश्मीर। अब ये सारा मीडिया जब इसको पिक करता है, लोग जब इसको देखते हैं, और फिर आप देखते हैं कि इंटरनेशनली जो है वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ रही है। जबकि ऑन द अदर साइड मैं आज देख रहा था जो मूडीज है उसने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको वल्नरेबल और एट रिस्क पर डाल दिया। उन्होंने मेरा ख्याल है उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है उसको CAA1 कर दिया फ्रॉम B3, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, रिस्क ज़्यादा है, फिर फ्लड्स आए हैं, फिर उससे पहले कोविड था, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अब ये चीज़ें जो हैं ये एक बहुत बड़ी जो है वो सब कह लेंगे ये डेवलपमेंट। लेकिन उधर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने देखें, क्या पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है वो कश्मीर जाके इस तरह की स्टैटिस्टिक्स दे सकता है? जो कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं इस्लामाबाद में बैठते हैं, टेक्निकली जिनके नीचे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है और ये सारा कुछ है, वो वहाँ पे जाके दे सकते हैं? पिछली हुकूमत ने अली मीन गंडापुर को कश्मीर का मिनिस्टर बना दिया और अमूमन हम कश्मीर की मिनिस्ट्री जो है वो बस दे देते हैं, उसमें होता से तो कुछ भी नहीं है ना, वो मिनिस्टर के पास को पावर होती है ना, वो वहाँ फैसला कर सकता है, फैसले किसी और ने करने होते हैं, ताकत किसी और के पास होती है, जो है कानून लिखा किसी लिखी हुई जो है वो थेरेटिकल पावर किसी के पास है, प्रैक्टिकल पावर किसी के पास होती है। तो हमें वो जो कश्मीर का सॉफ्ट इमेज है वो क्रिएट करना, अपने लोगों को ये बताना है कि भाई आप कश्मीर में जो है वो जो अब फॉर एग्जांपल जो ड्रामास हैं वो तो सारे कराची लाहौर में बन जाते हैं घरों की। मैंने देखा है कि पाकिस्तान में तो ड्रामे जो बन रहे हैं वो एक बिल्डिंग लेते हैं, कोठी लेते हैं, वहाँ पे उस कोठी के अंदर ड्रामा बन जाता है, उनको निकलने की आदत ही नहीं है। वहाँ से निकलेंगे अब जाएंगे, अब ना तो पाकिस्तान में ये जो है कोई फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री हमने तबाह कर दी क्योंकि हम मौलवी बन गए, हमने फैसला कर लिया हमने मदरसे चलाने हैं, हमने ये फैसला कर लिया कि हमें यूनिवर्सिटियों की बजाय मदरसे बनाने हैं,
और हमने अपनी जो कौम का जो फैसला है वो मदरसों के जरिए कराना है, अपनी नस्लों को मदरसों में डाल के तो अपना मुस्तकबिल ठीक करना है, तो जाहिर बात है फिर उससे चीज़ें जो हैं वो ऐसी होनी। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि हमारे पास टूरिस्ट इतना आ गया है, हम फिल्म के लाइसेंस देने वाले हैं, ठीक है जनाब, और हम यहाँ पे जो है वो यूथ से इंगेज करेंगे, और आई एम 500% श्योर पाकिस्तान की तरफ से कोई बंदा जवाब नहीं देगा, और पाकिस्तान की तरफ से किसी के पास जवाब होना भी क्या है, क्या जवाब होगा। वो कह रहे हैं कि हमने कश्मीर को मेन स्ट्रीम करना है और डेवलपमेंट करनी है, दिस इज़ व्हाट दे वांट। और अब उनको पता चलेगा कि बेसिकली यार देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडियन कश्मीर में क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसमें आपने क्या उन लोगों को दिया है कि लोग पसंद करें कि हाँ हमें पाकिस्तान वाले कश्मीर में जाना चाहिए। आप ज़रा पाकिस्तान के कश्मीरियों से ज़रा बात करके तो देखें, और बहुत सारे कश्मीरी तो इस बात से बड़ा सख्त अनॉयड हैं, और जो ये कहते हैं कि भाई हमें ये ना बताया जाए कि हमें सिर्फ जो है वो इंडिया के खिलाफ नारे लगाने और पाकिस्तान के हक में नारे लगाने, हमें बताएं कि एक्चुअली हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं। और एक जो बहुत बड़ा जुल्म पाकिस्तान की सरकार ने वो कर दिया है कि कश्मीर में किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेटर्स नहीं है, जिसका नुकसान यह है कि वो सारे कश्मीरी और गिलगित की तरह बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो इस्लामाबाद आ गए, अब सिंध भी इस्लामाबाद आ गया, बलूचिस्तान के लोग भी, पंजाब के लोग भी, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी, क्योंकि एक शहर था वो, उसमें अपॉर्चुनिटीज थी, सारे लोग उसके इर्द गिर्द आके बैठ गए। टेरर से टूरिज्म का सफर इंडिया का स्टार्ट हो चुका है, समर वेकेशन है, और हर साल इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाता है। अब तक का फिगर 86 लाख टूरिस्ट जो है इस वक्त कश्मीर को विजिट कर चुके हैं या कश्मीर को विजिट करने वाले हैं, और जब तक ये जुलाई और अगस्त के 2 महीने गुजरेंगे ये 1 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे। एंड नो डाउट कश्मीर बहुत खूबसूरत है, उसका वेदर आउटस्टैंडिंग, और जो शहर या गर्म इलाकों से जो लोग कश्मीर जाते हैं उनको तो वो बहुत ही औसम लगता है, प्यारा लगता है। और ये 86 लाख थप्पड़ दहशतगर्दों के मुंह पे बजे, अभी वो रियाजी अटैक जो हुआ था उसने कितना खौफ फैलाया हुआ था, क्योंकि वो बेचारे भी दर्शन मंदिर के लिए करने जा रहे थे, उसमें मासूम बच्चे भी थे, मियां बीबी भी थी, और किस तरह से उन्होंने उसको गोलियों का निशाना बनाया, और वो कहते ना ऊपर वाले ने साथ दिया कि वो बस स्लिप होके खाई में गिर गई और बाकी लोगों की जाने बच गई, वरना वो जिस गंदे इरादे से आए थे ऐसा मालूम होता था वो किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाले थे, और वो लोगों को डरा रहे थे कि आप कश्मीर में ना आओ। लेकिन इंडियन बड़े ब्रेव हैं, बड़े दिल वाले हैं, और अपने नेशन से, अपने स्टेट से प्यार करते हैं। वो कश्मीर गए, भारी भरकम पैसा लेके गए, इससे कश्मीर की जो जीडीपी है वो बहुत बेहतर हो गई है। और अगर आप पाकिस्तान के कश्मीर की बात करते, अगर मैं कमर चीमा साहब की बात करूं तो वो कह रहे थे कि देखो हमारे तो हालात बदतर से बदतरीन होते चले जा रहे हैं, हम पहले बी कैटेगरी में थे, आप जो है सी कैटेगरी में हम जा चुके हैं, क्योंकि ना मुल्क के पास फाइनेंस है, ना मुल्क के पास सियासत बची है, ना मुल्क के पास जमहूरियत बची है, कुछ भी तो नहीं बचा है ना हमारे पास, तो हमें तो मुल्क के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। लेकिन कुछ 500 या 1000 खानदानों को खुश करने के लिए ये पूरी 25 करोड़ आवाम को दलदल की तरफ धकेल रहे हैं। कश्मीर भी उसका पार्ट है, जैसे वो कहते हैं कश्मीर का मिनिस्टर, ये जो 40 लाख का जो आंकड़ा है जो इंडियन साइड से कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने ये फिगर दी है ना, 86 लाख वही ना, तो ये फिगर उन्होंने दी है, और वो इस फिगर को कोई भी चेक एंड बैलेंस कर सकता है क्या? पाकिस्तान से ऐसा कोई फिगर दे सकता है हमें कि चलो 1 लाख ही कोई गया हो? ये हमारे मिनिस्टर कश्मीर के शुरू से रहते हैं लेकिन इनके पास कोई पावर नहीं होती। अब तो हमने ये भी सुना है कि जो कश्मीर लोग विजिट करने जाते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान की वजीर आला कौन है, यहाँ के वजीर आजम कौन है, जैसे वो बच्चों के साथ जनरल नॉलेज के सवाल ही पूछे। कश्मीर में अंदर ये क्या सिस्टम हुआ, कोई बाहर से भी आ सकता, उससे क्या पता? फॉरनर्स हमारे कश्मीर में नहीं जा सकते। देखो तो ये चीज, फॉरनर होगा तो उसको वहीं से वापस कर देंगे कि आप कोई स्केच वगैरह बना लोगे। देखो लो अब तो सेटेलाइट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, हर चीज वहां पर मौजूद है। कश्मीर में पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई है। और इसके साथ साथ यार हम दूर बात क्या करें, अभी जो 11 मई कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ तो कश्मीर के वजीर आजम को ही नहीं पता रेंजर किसने बुलाए,
कितना बड़ा ब्लंडर है कि एक मुल्क का वजीर आजम कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि रेंजर किसने बुलाई, तो फिर सवाल ये है कि वो किसके कहने पर वहां पर गए थे। सही कहा। और यहाँ के वजीर आजम के पास ना पाकिस्तानी वजीर आजम के पास कोई अथॉरिटी है और ना ही कश्मीर के वजीर आजम के पास। वो मखलूक है, वो आज भाई एक मखलूक चला रही है पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हर इदारे को, अदलिया को। तो यहाँ तक कहते हैं अगर क्रिकेट में यही वाले इदारे आ जाते, ठीक है, ये जो हवाई मखलूक है ये आ जाती, तो क्रिकेट में कभी इन्होंने हारना नहीं था, हर मैच इन्होंने जीतना था। जैसे तारीखी एतबार से हर चीज जीतते हुए ना, यहाँ अब तो क्रिकेट भी सामने आ जाती है कि हारे या जीते, तब तो कुछ और ही, तब तो जीतना था, जो मर्जी हो जाता। तो इंडिया इसलिए आगे तरक्की कर रहा है कि उसके सियासतदान खुल के खेलते हैं। हाँ। और उनके जो आर्मी के जनरल हैं, उनके जो इदारे हैं, उनकी जुडिशरी है और उनकी जितनी भी सिक्योरिटी है, कुछ भी है उनका, वो उनके अपने इदारों के अंदर काम कर रहे हैं। सियासतदान पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, जजेस अदलिया के अंदर बैठे हैं, और इस वजह से इंडिया की जो इस वक्त जो ग्रेस है, जो ब्यूटी है, वो पूरी दुनिया देख रही है और इंजॉय कर रही है। और इंडिया को बड़ी विक्ट्री मिली है जी कश्मीर इशू को लेके। सो बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरह ही काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे, और अच्छे अच्छे कामों से ही अच्छे अच्छे नाम होते हैं। और हमारे यहाँ तो बस क्राइसिस क्राइसिस एंड क्राइसिस। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।